जय श्रीमान श्रीमान राष्ट्र ध्वज को लगाने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। केशरी मध्ये क्रांती दाखवितो, केशरी मध्ये क्रांती दाखवितो, हिरव्या रंगी उन्नती दीपवितो, शुभ्र खरेपणा सांगतो। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज। 72वें प्रजासत्ताक दिवस के मौके पर आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में महापौर ज्योत्सना हसनाले के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वजारोहण के मौके पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका परिसर में काम करने वाले कोविड योद्धा के रूप में डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर तथा सफाई कर्मचारियों का कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। नगर सेवक उपस्थिति हसमुख भाई, महापौर महोदय, रेडियो ऑफिस डॉक्टर विक्रांत आमंत्रित कर दो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 800 के करीब कोविड से मरने वाले लोगों का दहन संस्कार दफनाया गया। उन लोगों का भी सत्कार कोविड योद्धा के रूप में किया जाना चाहिए, इस तरह का सुझाव मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पूर्व नगर सेवक ओम प्रकाश अग्रवाल ने किया। क्या कहेंगे आज सत्कार के बारे में? नहीं नहीं, जो आज सत्कार किया गया कोविड 19 योद्धा के रूप में डॉक्टरों का, नर्सों का, सफाई कामगारों का, बहुत अच्छा लगा। ये प्रथा होनी चाहिए क्योंकि ये महामारी इतनी भयंकर थी और इसको लोगों ने जो सहयोग किया। लेकिन जब सत्कार का विषय देखा, जो कोविड 19 से मर गए थे, यहाँ तक कि उनको परिजनों को भी बॉडी देखने का मौका नहीं मिला, वहाँ तक जाने तक का मौका नहीं मिला, खुद की दूरी पर भी जाने का मौका नहीं मिला। ऐसे को प्रेतों को जलाने का काम, कोविड पेशेंट जो मर गए उनको जलाने का काम शमशान भूमि के जो कर्मचारियों ने किया, उनका इस यादी में समाविष्ट नहीं किया, इसका दुख हुआ और आयुक्त आपको इसकी संज्ञान लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आयुक्त साहेब आणि उपस्थित असलेले सर्व सभापती, सन्माननीय अधिकारी, मी पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो की आज इथे जे सन्माननीय महापौर मॅडम यांच्या हस्ते या सर्वांचे इथे सत्कार करण्यात येईल। सर्वप्रथम मी डॉक्टर पटाणकर